الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن شاء الله عز وجل आज हम मुख्तसर अलकुदूरी से किताबुल बुयू पढ़ने की कोशिश करेंगे किताबुल बुयू यानी ख़रीदो فروخت का बाब ख़रीदो فروخت का बयान यहाँ पर मुसनफ़ ने बो जमा जिक्र किया है हालांकि ये बै की जमा यहाँ पर मुराद है ये एक मसदर है सवाल पैदा होता है कि मसदर का तो तस्निया जमा नहीं होता लिहाजा यहाँ पर जमा किस तरह आ चुका है तो दरअसल बात यह है कि बो जो जिक्र किया है ये इस वजह से किया है कि यहाँ बस में मफ़ूल मबी के माने में है और मबी की कई अकसाम हैं मबी के अतबार से बै की कई अकसाम हैं तो इसलिए यहाँ पर इसको जमा जिक्र किया है आगे मुसनिफ़ बयान करते हैं अलब यद बिलजाब बल्कबूल बै कबूल से मनिद होती है इदाकाना बिलफ्ज़्ज़ अमाजी जबकि ईजाबूल माजी के लफ्ज़ से हों माजी के सेगे से हों सब से पहले तो बै की हम तारीफ़ सुनते हैं लुतान बै कहते हैं एक शे को दूसरी शेय से बदल देना बेचना ये इसका लगवी माना हुआ करता है और अलाह शरह में बै यानि ख़रीदो फ़रोख्त कहते हैं मतदा बाय और मुश्तरी इनकी रज़ा से एक शे को दूसरी शेय से बदलना या एक चीज़ को एक की चीज़ को दूसरे की चीज़ से बदल देना बाहम रज़ा से ये अलाह शरा में बैग कहलाती है अब यहाँ पर मुसनफ़ ने बैग के मुनद होने के लिए शर्त लगाई है ईजाब कबूल की तो ईजाब किस को कहते हैं और कबूल किसे कहते हैं ईजाब तो मतदेन में पहले जिसका कलाम मज़कूर होगा तो उसे ईजाब कहेंगे और बाद में जिसका कलाम मजकूर होगा उसे कबूल कहेंगे मुसनफ़ ने बयान किया है कि ये ईजाब कबूल के साथ बैर मनद होगी साथ में शर्त यह है कि माजी के अल्फाज हों माजी का सगा हो तो माजी की शर्त इस वजह से लगाई गई क्योंकि जो मामलात होते हैं इनमें पुख्तगी होना ज़रूरी है मामलात बिल्कुल पक्के होना ज़रूरी हैं और किसी बात को जब पुख्ता तरीक़े से बयान किया जाए तो सेगा माजी का इस्तेमाल किया जाता है कि इससे बात बिल्कुल पुख्ता हो जाया करती है जैसे कि कुरान मजीद में अल्लाज़ल नेमत का जिक्र फ़रमाया तो इर्शाद फ़रमायाबन शक्ल कमर क़ियामत करीब आ गई और चाँद शक हो गया तो इसी वजह से माजी की शर्त लगाई गई आगे बयान करते हैं कि फ़दा औ जबा अहदलमतनी अलबिया फ़ल आख़रु इन शबिल फ़िल्मलस वशाआ रद्द हो मुनबैन करते हैं कि जब मतदान में से कोई एक ईजाब कर ले बतदे में से कोई एक बै का ईजाब कर ले तो दूसरे के लिए इस बात का इख्तीार होगा कि अगर चाहे तो मजलिस में कबूल करे अगर चाहे तो रद्द कर दे यानी अगर किसी ने ईजाब कर लिया तो दूसरे को जो ख्याार कबूल होगा उसमें ख्याार कबूल के लिए शर्त यह होगी कि वो खियार सिर्फ उसे मजलिस में हासिल होगा मजलिस में ही कबूल कर सकता है मजलिस के अलावा कबूल नहीं कर सकता इसमें मजलिस में होने की शर्त इस वजह से लगाई जा रही है कि अगर मजलिस में कबूल ना हो और मजलिस के अलावा भी ख्याार कबूल दिया जाए तो ऐसी सूरत में बा के लिए बहुत बड़ा हरज वाक़ हो सकता है हो सकता है आज एक ने इजाब कर लिया कबूल करने वाला दस पंद्रह दिन के बाद करे तो इसमें हरज वाक़ हो सकता है इसलिए मजलिस की शर्त लगाई गई है मुसन बैन करते हैं कि वह आय्यो हम क़ामा मिलल मजलिस कबल कबूली उन दोनों में से जो कोई भी मजलिस से खड़ा हो जाए बलहाल ये हो कि कबूल न हुआ हो क़बल अकबूल कबूल से पहले बतल अलिजाब ईजाब बातिल हो जाएगा अब कबूल नहीं हुआ था मजलिस से उनमें से कोई भी उठ गया तो ईजाब भी बातिल हो जाएगा क्योंकि हम पहले इस बात को बयान कर चुके हैं कि ख़्यार कबूल सिर्फ़ मजलिस में हासिल होगा वो इदा हसल अलीजाब वक़बूल लजिम अल्ब इधा हसल अलिजाब वक़बूलो लाज़िबै जब ईजाब और कबूल हासिल हो जाए तो बे लाजिम हो जाएगीजाबूल जब हो गया ईजाब भी कर लिया कबूल भी हो गया तो बे लाजिम हो जाएगी क्योंकि ईजाबूल की जो शर्त लगाई जाती है वह इस वजह से लगाई जाती है कि इनकी आपस मंदी आपस में जो रजामंदी है इसका इजहार हो जो रजामंदी है इसका इजहार ईजाब और कबूल से हुआ करता है और जब इजाब और कबूल हो गया तो अकद ताम हुआ और क़ुरान मजीद में अल्लाह अजबल ने इरशाद फरमाया या अय्यूहदीना आमनू अफ़ू बिलआूद मोमिनो अकूद का इफ़ा करो अकद को पूरा करो तो जब ऐसा हो गया अकद ताम हो गया ईजाब कबूल हो गया तो अब लजिमल अलब बैल जो है वो लाजिम हो जाएगी अब किसी को भी यहाँ रद्द का इख्तीार नहीं होगा आगे बयान करते हैं वला वाला ख़्यारद मिनहुमा उनमें से किसी एक को भी नकज़ बै का फ़स बार नहीं होगा सिवाए इस बात के मिनबिन और यन सवाए इस बात के कि मबीर में कोई ऐब हो या मबीर को ना देखा गया हो तो ऐसी सूरत में इख्तियार होगा बल के रद्द करने का और आगे मुसनफ़ ने बात बयान की है कि व आवाज़लमशारो इलाहा लाताजु इलामारत मकदार हा फ़ी जवाजिल्बल आवाज़ ये इवज़ की जमा है इवज़ कहते हैं बदला जो भी चीज़ बदले में दी जाए वो इवज़ है तो समन भी इवज़ हो सकता है और मबी भी इवज़ हो सकती है तो बयान कर रहे हैं केवल आवाज़ालमशा इलैहा वो बदले की चीज़ें वो आवाज़ कि जिन की तरफ इशारा किया जाता है लाताजलफती مقدارها في फ़ी البيع तो बैग के जायज़ होने में उनकी मकदार की मारिफत की तरफ हाजत नहीं है मकदार की मारिफत की कोई हाजत नहीं है मिसाल के तौर पर बाए और मुश्तरी के दरमियान कोई चीज़ रखी है बाएँ ने उसकी तरफ़ इशारा कर दिया मिसाल के तौर पर हमारे सामने बाएँ के सामने सरसों का एक ढेर रखा हुआ है और वहाँ पर मुश्तरी है और उसने इशारा कर दिया बाएँ ने इशारा कर दिया कि इसको मैं बेच रहा हूँ और मुश्तरी ने उसकी तरफ़ इशारा कर लिया कि मेरे हाथ में ये जितनी रकम है इस रकम से मैं इस सरसों के ढेर को ख़रीदता हूँ तो ऐसी सूरत में आप जब इशारा कर चुके तो ये आवाज़ मशार मशा हुए तो ऐसी सूरत में बय सही हो जाएगी बय करना दुरुस्त है बय के जायज़ होने में अब इस बात की ज़रूरी नहीं है कि ये सरसों कितने किलो है इसकी मकदार कितनी है अब आपके हाथ में जो रकम है ये कितनी है इसकी कोई हाजत नहीं है